दोस्तों आपने साल 2009 में आई फिल्म वांटेड तो देखी ही होगी, जो उन फिल्मों में से एक है जिसे दर्शक देखना आज भी पसंद करते हैं, जिसने बॉलीवुड के कई सितारों को उनकी एक अलग पहचान दिलाई थी। और उन्हीं में से एक थी फिल्म में जाह्नवी का मुख्य किरदार निभाने वाली अभिनेत्री, जिनके फिल्म में राधे के साथ लव केमिस्ट्री के साथ साथ उनके मासूमियत भरे अंदाज को भी दर्शकों का बेहद प्यार मिला था और ये खूब पॉपुलर भी हुई थी। लेकिन आज इस फिल्म को रिलीज हुए करीब 13 साल हो चुके हैं और बीते इन 13 सालों में फिल्म में जाह्नवी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री आज साल 2022 में कहाँ है, क्या करती हैं और कैसे दिखती हैं, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। अगर आप भी इनके आज के बारे में जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और साथ ही इस सुपरहिट फिल्म के लिए वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वांटेड फिल्म में जाह्नवी का मुख्य किरदार निभाने वाली अभिनेत्री का असली नाम आयशा टाकिया है, जिनका जन्म 10 अप्रैल 1986 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ था और इसलिए इनकी पूरी पढ़ाई लिखाई भी यहीं से कंप्लीट हुई थी। वहीं अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर की तो इन्होंने साल 2004 की सुपर डुपर हिट फिल्म टार्जन द वंडर कार से एक्टिंग की दुनिया में अपना पहला कदम रखा था और अपनी इस फिल्म से इन्होंने बेस्ट डेब्यू का अवार्ड भी अपने नाम किया और इसी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से इन्हें आगे चलकर बॉलीवुड की और भी कई फिल्मों में काम करने का सुनहरा मौका मिला, जिनमें शादी नंबर 1, यूं होता तो क्या होता, संडे और दिल मांगे मोर जैसी फिल्में शामिल हैं, जहां इन्हें मुख्य भूमिका के तौर पर देखा गया और इन्होंने दर्शकों से खूब तारीफें हासिल की। लेकिन आज वांटेड फिल्म को रिलीज हुए करीब 13 साल हो चुके हैं और बीते इन 13 सालों में फिल्म में जाह्नवी का मुख्य किरदार निभाने वाली अभिनेत्री आयशा टाकिया भी आज पहले से काफी ज्यादा बदल गई हैं। जी हाँ, आज ही अपनी 36 साल की उम्र पूरी कर चुकी हैं और 36 साल की उम्र में इनके ड्रेसिंग सेंस के साथ साथ इनका हेयर स्टाइल भी काफी ज्यादा बदल गया है, जहां आज ये पहले जितनी खूबसूरत भी नहीं दिखाई देती, जैसा कि आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं। जिनके फेस स्किन पर रैशेस दिखाई देने लगे हैं और लिप्स सर्जरी के बाद तो इनका लुक पूरी तरह ही बदल गया है। इसी के साथ अब ये एक से बढ़कर एक वेस्टर्न ड्रेसेस कैरी करती हैं और खुद को काफी स्टाइलिश रखना पसंद करती हैं। वहीं आपको बताते चले, इन्होंने साल 2009 में फरहान आजमी संग शादी भी रचा ली थी और इस शादी से आज इनका एक बेटा भी है, जिनके साथ ये फिलहाल मुंबई में रह रही हैं। लेकिन इन्होंने एक्टिंग की दुनिया से पूरी तरह दूरियां बना ली हैं, जिन्हें लास्ट टाइम साल 2011 की मोड़ फिल्म में देखा गया था। तो दोस्तों, आयशा टाकिया के आज के हालातों के बारे में जानकर आप क्या कहना चाहेंगे, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।